हाय फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं, जैसे कि घर में हम मलाई जमा करते हैं तो उस मलाई द्वारा हम मावा कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। कढ़ाई हमारी देखिए ऑलरेडी हमने रखी थी गर्म होने को, काफी गर्म हो गई है। अब हम स्टेज पे हमने देखिए ये करीबन बाउल भर के मलाई है जो जमा की हुई है उसे डालते हैं। पूरी मलाई डाल देंगे इस तरह से और इसे लगातार हमने चलाते रहना है करीबन 15 से 20 मिनट। देखिए ये पकना चालू हो गया अच्छी तरह से, इसे ना लगातार हिलाते रहना पड़ता है। देखिए अब ये नहीं तो छींटे पूरे बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा दूर रह के आप वरना छींटा गरम गरम आपके मुंह पे आ सकते हैं। बस इस तरह से हिलाते रहेंगे लगातार और इसके लिए लोहे की और या फिर कोई मोटी कढ़ाई यूज करना है तो, और इसे करीबन 5 से 7 मिनट हिलाना पड़ेगा। हमारा मावा पूरी तरह से रेडी हो गया है, जो साइड में लगता है ना मतलब ये मावा रेडी हो गया। बस इसे भी आप इस तरह खुरच खुरच के निकालिए। अब हमने इस स्टेज पे गैस को कर देना है बंद और इसे सब तरफ से निकाल के एक बाउल में फ्रिज में सेट होने के लिए एक 10 मिनट तक रख देंगे ठंडा होने के बाद। देखिए हमारा 100% शुद्ध घर का मावा बन के तैयार हो गया है। वैसे तो मलाई के द्वारा हम घी भी निकालते हैं और भी यूज़ करते हैं, पर मावा जो है बहुत क्विक बनता है मलाई से और बहुत बढ़िया बनता है। हमने दूध का भी बताया था आपको, तो इस तरह से देखिए एकदम शुद्ध है। इसमें जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो हम सब पूरा भुना हुआ मावा है। तो आप ये रेसिपी घर में ट्राई कीजिए और बताइए आपको ये कैसी लगी। तो एक और रेसिपी के साथ आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद।